हेलो वेलकम दोस्तों मंडल टीवी के इस चैनल में सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ग्राम पंचायत में यदि कोई प्रत्याशी निर्विरोध जीतता है तो उसको राज्य सरकार कितना पैसा देती है तो चलिए दोस्तों विदाउट लॉस्ट ऑफ योर टाइम हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा उस ग्राम पंचायत को मिलता है तो, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत में पंच या सरपंच कौन निर्विरोध जीतेगा तब जाके राज्य सरकार पैसा देगी तो दोस्तों इसका आंसर है कि दोनों पंच पे भी और सरपंच पे भी चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि दोस्तों यदि किसी पंचायत में सरपंच निर्विरोध जीता जाता है तो उसको सरकार देती है पांच लाख रुपए यदि वही प्रत्याशी दोबारा चुना जाता है वो भी निर्विरोध तो उस पंचायत को राज्य सरकार देती है सात लाख रुपए ये बात क्लियर हुई चलिए अब हम आगे समझते हैं अब यदि किसी पंचायत में पंच और सरपंच दोनों आ जाते हैं तो उस पंचायत को तब भी सात लाख रुपए ही मिलता है अब बात करें कि यदि किसी ग्राम पंचायत के सभी पंच महिलाएं हों एवं सरपंच जो है वो पुरुष हो और सभी के सभी निर्विरोध जीते हों तो उस पंचायत को कितना पैसा मिलेगा तो दोस्तों इसका आंसर है उस पंचायत को 12 लाख रुपए मिले लेकिन कंडीशन ये है कि सभी पंच जो है महिलाएं होनी चाहिए और सरपंच जो है वो जेंट्स भी हो सकता है ठीक है तो उस कंडीशन में उस पंचायत को 12 लाख रुपए मिलेंगे अब बात करते हैं जो कि है सबसे बड़ी बात कि पंद्रह लाख कब मिलेगा दोस्तों पंचायत को पंद्रह लाख रुपए तब मिलेगा जब ग्राम पंचायत के सभी पंच एवं सरपंच निर्वरोध जीतते हैं मतलब महिलाएं ही उस पंचायत की मतलब पूरा की पूरा प्रतिनिधित्व जो है महिलाएं ही करेंगी तब जाकर पंच और सरपंच जितने भी पंच हैं वो भी महिलाएं होंगी और जो सरपंच बना हुआ है वो भी महिला होगी तब जाके उस ग्राम पंचायत को पंद्रह लाख रुपए मिलेगा अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो पैसा है क्या निर्वरोध जीतने वाले प्रत्याशी के अकाउंट में जाता है जी नहीं दोस्तों तो क्या है कि ये जो फंड है वो राज्य सरकार उस ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए देती है एक प्रकार से ऐसा माना जा सकता है कि सरकार चाहती है कि आपके यहाँ यदि इलेक्शन होगा तो जो खर्च होगा पैसा वो पैसा खर्च ना किया जाए और हम आपको डायरेक्ट दे दें उससे फायदा ये होगा कि आप इस पैसे को अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए खर्च कर सकते हो और गांव वालों का भी इससे भला होगा गांव के लोगों का भी विकास होगा क्योंकि उनको इस जब ये पैसा खर्च होगा तो बेटर फैसिलिटी मिलेगी तब जाके तो लोग कुछ डिसाइड करेंगे तो दोस्तों ये इनिशिएटिव मुझे तो अच्छा लगा यदि आपको भी इस तरीके का इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट समय समय पर जब भी इलेक्शन आता है ये प्रासी घट और बढ़ भी जाती है तो ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें jehin